बात होगी अब शराब घोटाले की। छत्तीसगढ़ के कथित चर्चित शराब घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू ने चालान पेश कर दिया है। ईओडब्ल्यू ने करीब 10,000 पेज का चालान पेश किया है। आरोपी अनवर डेबर और एपी त्रिपाठी के खिलाफ चालान पेश हुआ है। 2,000 करोड़ के शराब घोटाले की जांच कर रहा है ईओडब्ल्यू। पुलिस की रिमांड पर है अनवर डेबर और एपी त्रिपाठी। चालान पेश हो गया भाई साहब। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में ईओडब्ल्यू ने 10,000 पेज का चालान पेश कर दिया है। कथित बहुचर्चित शराब घोटाला छत्तीसगढ़ का, आरोपी अनवर डेबर और एपी त्रिपाठी के खिलाफ चालान पेश हुआ है। 2,000 करोड़ के शराब घोटाले की जांच कर रही है ईओडब्ल्यू की टीम। देखिए चालान, देखिए आप। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। 10,000 पेज के चालान पेश हुआ है। 10,000 पेज का चालान पेश हुआ है ईओडब्ल्यू की तरफ से। बहुचर्चित शराब घोटाला छत्तीसगढ़ का, जिसने सियासत में उबाल ला दिया था। कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। अनवर डेबर और एपी त्रिपाठी के खिलाफ चालान पेश हुआ है। जांच अभी भी लगातार जारी है। मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं इन सबकी। अनवर डेबर एपी त्रिपाठी के खिलाफ चालान पेश किया है ईओडब्ल्यू ने 10,000 पेज का। 2,000 करोड़ के शराब घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी, हमारे साथ जुड़ गए। अनमोल, अब 10,000 पेज का चालान पेश कर दिया गया है ईओडब्ल्यू। अब शिकंजा लगातार धीरे धीरे और भी कसता हुआ आरोपियों पर। अब बिल्कुल सुमित, देखिए 10,000 पेज का ये चालान पेश हुआ है। अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी, देखिए आबकारी विभाग के पूर्व सचिव रह चुके एपी त्रिपाठी, एक बहुत बड़ा घोटाला, शराब घोटाला, 2,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। और छत्तीसगढ़ में जब भी इस घोटाले की जिक्र होती है तो इसमें नाम आता है अनवर ढेबर का। आपको याद होगा कि पूर्व में अभी कुछ दिन पहले ही जो है यूपी एसटीएफ जो है अनवर ढेबर को छत्तीसगढ़ से ले जाकर मेरठ में पेश की हुई थी, और अभी अनवर ढेबर यूपी एसटीएफ के ही कस्टडी में है। तो ये बहुत बड़ा है 10,000। अब जो चार्जशीट ये पेश किया गया, पेज का जो सामने आया है, इसमें कई खुलासे सामने होंगे, क्योंकि देखिए अनवर ढेबर वही हैं जिन पर आरोप लगता था कि ये नकली होलोग्राम से भी ये जुड़े हुए थे, शराब पर नकली होलोग्राम बनवाने का भी काम करते थे। तो अब ये चार्जशीट पेश होने के बाद कई बड़े खुलासे होंगे, और इसमें अब देखिए और भी जो कार्रवाई है वो सख्त हो जाएगी। ईओडब्ल्यू अपना जो केस है वो और भी ज्यादा मजबूत कर रही है, शिकंजा और भी ज्यादा कस रही है। पुलिस रिमांड पर है अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी, और लगता है कि इनकी मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं लेंगी। लगातार धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ेंगी और भी आगे चलकर। अब बिल्कुल सुमित, देखिए मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि देखिए जो सबूत है वो धीरे धीरे इशारा कर रहे हैं कि किस तरीके से घोटाले हुए हैं, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा घोटाला था। और अब जब 10,000 पेज का अगर चार्जशीट दाखिल करती है ईओडब्ल्यू, तो आप समझिए कि 10,000 पेज में जो है इस दस्तावेज में क्या कुछ होंगे, क्योंकि इसमें काफी चीजें जो है मेंशन की गई होंगी इस पूरे घोटाले से जुड़ा हुआ। इसमें और भी जो तार हैं कहां तक जुड़े हुए हैं ये भी निकलकर सामने आ जाएगा। तो अब कहा जा सकता है कि ईओडब्ल्यू जो है उसका शिकंजा कसता जा रहा, और अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी की मुश्किलें जो है अब और बढ़ती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल 10,000 पेज के चालान में पूरा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया होगा ईओडब्ल्यू ने। बहुत धन्यवाद आपका अनमोल, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत।